हजारबाग ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष ममता साहू के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बना भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को पंजाब के चन्नी सरकार द्वारा जो सुरक्षा में लापरवाही बरती उसके विरोध में मानव श्रृंखला बनाकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। वही पटना महानगर जिला अध्यक्ष मुकेश शाह ने चन्नी सरकार का विरोध करते हुए घोर निंदा किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इतना बड़ा घटना हुआ है। पहले भी हमारे सरकार में हम देख चुके हैं कि हमारी सरकार पे इतना बड़ा अपोजिशन पार्टी के लीडर लोग जो तैयारी करके घटना का अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, उनका मंशा सफल नहीं हो पा रहा है। हम लोग उनके विरोध में धरना प्रदर्शन किए हैं कि उनको बताना चाहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री वो देश के लिए नहीं, वो देश के लाल और भारत के लिए एक मिसाल हैं जिनकी चर्चा पूरे देश नहीं विदेश में भी होती है। और इस विदेश के चर्चा में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रूप में, एक भोलेनाथ के रूप में, एक महाकाल के रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। और हम देखते हैं उनको जिस तरह से चीनी सरकार ने घटना का अंजाम दिया, वो एक पुल था। अगर वहाँ किसी तरह का घटना होती तो न बचने का चांसेस था। ऐसे दुष्कर्म शासित राज्य कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि इतनी दूची राजनीति करने वाले लोग कम से कम ये दूची तरह का जो घटना किए हैं इस पर बहुत ही उनको शर्मनाक बात होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विरोधी हैं वो सुन लें कि पिछले 40 साल तक भारत में शासक करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत से उतरी है कि पिछले 40 साल तक सरकार केंद्र शासित रहेगी। झंडा देखो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।